पेंच व्याघ्र प्रकल्पाचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते उद्घाटन. रामटेक तहसील अंतर्गत येणाऱ्या आदिवासी बहुल पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील विविध नवीन उपक्रमांचं उद्घाटन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी पेंच व्याघ्र प्रकल्पात नवीन सफारीचे उद्घाटन व सोबतच हॉट बलून ॲडव्हेंचर स्पोर्टचे उद्घाटन देखील करण्यात आले. वाघोली तलाव येथे डार्क स्काय प्रकल्प व हत्ती शिबिराचे उद्घाटन करण्यात आले. सिल्लारी येथे पर्यावरणपूरक पेयजल प्रकल्प आदींसह विविध योजनांचा शुभारंभ देखील करण्यात आला. याप्रसंगी पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील कर्मचारी व उत्कृष्ट काम करणाऱ्या स्थानिक नागरिकांचा गौरव करण्यात आला. त्यानंतर वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी देवलापारच्या गौ संरक्षण केंद्राला भेट देखील दिली. कार्यक्रमाला रामटेक विधानसभा क्षेत्राचे आमदार आशिष जयस्वाल, जिल्हा परिषद सदस्या शांता कुमरे व सोबतच माजी आमदार मल्लिकार्जुन रेड्डी प्रामुख्याने उपस्थित होते. नागपुरातील वन विभागाचे प्रमुख यावेळी देखील उपस्थित होते. सोबतच श्री लक्ष्मी प्रभुनाथ शुक्ला, संचालक पेंच व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्र, हे देखील प्रामुख्याने उपस्थित होते. शंकरनाथ न्यूज सिटी ब्यूरो रिपोर्ट. हमने इस व्यवस्थाओं को और बढ़ाने का निर्णय किया है, जिससे लोग यहाँ पे पर्यटन भी कर पाए, पर्यावरण की रक्षा का संकल्प कर पाए और हमारे वन्य प्राणियों के बारे में मन में प्रेम लेकर, आस्था लेकर और वृक्ष लगाने की इच्छा लेकर ऐसे प्रकल्पों से वो अपने गाँव, अपने कस्बे और अपने शहर में जा पाए. तो वो यहाँ पे आने के बाद वो पर्यावरण के रक्षक और सैनिक बनना चाहिए. पर्यावरण के सैनिक बनकर वो वापस अगर जाना है तो सारी व्यवस्थाएं अच्छी होना चाहिए. आपको पता है कि हम तो सब जूनियर है, ये सब सीनियर है. हमसे पहले टाइगर आया है, हम तो बहुत बाद में आए हैं. तो इंसान अगर हर जगह पर अतिक्रमण करेगा और रौब दिखाने की कोशिश करेगा तो ये अच्छी बात नहीं है. सब मिलकर सहजीवन के साथ आगे बढ़ना चाहिए और इस दृष्टिकोण से वन विभाग ने अभी बहुत सारे काम किए हैं. उसमें से अभी हम कुछ पक्षियों के बारे में भी हम ब्रीडिंग सेंटर बना रहे हैं, चाहे सारस हो, मालढो को नष्ट होते जा रहे. अभी हमने 3 जगह पे जटायु के संवर्धन संरक्षण का काम शुरू किया है, एक पेंच में, एक ताड़ोवा में और नासिक में. एक समय का टोटल स्वाधीनता के बाद 4 करोड़ जटायु जो स्वच्छता दूत थे, अभी वो 60,000 से नीचे हो गए. सिर्फ एक ही कारण कि आदमी की नीड वसुंधरा पूरी कर सकती है, ग्रीड पूरी नहीं करती. आदमी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है वसुंधरा, मगर भूख और वासना को पूरा नहीं कर सकते. 21वीं सदी में जो हमारी भूख बढ़ी है, मैन इज ए सेल्फिश एनिमल जो सफर शुरू हुआ है, तो हम वन विभाग से चाहते हैं कि हम वन को अग्रेसर करने का काम करें और यहाँ के जितने अधिकारी हैं, प्रभुनाथ जी और उनकी सारी टीम अच्छा काम कर रही है. तो आज मैं खुद यहाँ देखने आया, इन्होंने क्या किया है, इसमें कुछ सजेशन देकर इसको और आगे करना है. जंगल से जीवन के मंगल तक. श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती एका दिवसावर आली आहे. शहरात विविध भागात व बाजारात शिवजयंती निमित्त ध्वज व इतर साहित्य विक्रीसाठी दाखल झाले आहे, परंतु नागरिकांचा प्रतिसाद कमी प्रमाणात दिसत आहे. 22 जानेवारी रोजी अयोध्या येथील श्रीराम मंदिराचा प्राण प्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्त संपूर्ण देशभरामध्ये उत्साहाचे वातावरण होते. जणू काही दिवाळी साजरी करण्यात आली होती. त्यावेळेस प्रत्येकाच्या घरावर भगवे ध्वज लावण्यात आले होते. त्यानिमित्ताने नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात ध्वज देखील खरेदी केले. त्यामुळे शिवजयंतीच्या या ध्वजावर त्याचा परिणाम जाणू लागल्याची माहिती विक्रेत्यांनी दिली. व्यापाऱ्यांनी शिवजयंती निमित्त वेगवेगळ्या लहान मोठ्या साईजमध्ये ध्वज विक्रीसाठी आणले होते, परंतु ध्वज घेण्यासाठी ग्राहकांची वाट पाहावी लागत आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी मार्केटमध्ये ध्वज घेण्यासाठी प्रतिसाद कमी दिसत आहे. शंकरनाथ न्यूज सिटी ब्युरो रिपोर्ट.
उद्धव ठाकरेंपेक्षा मोठा खोटारडा माणूस या महाराष्ट्रात नाही. अमित शहा यांनी दिलेला शब्द पाळण्याची विश्वासार्हता फार मोठी आहे. संजय राऊत असा दावा करत असेल तर हा तिथे होता का? उगाच नाक रगडत शेमड्या मुलांसारखं बोलायला काहीच अर्थ नाही. संजय राऊतांच्या शब्दाला महाराष्ट्र सोडा, त्यांच्या घरात तरी मान आहे का? असा सवाल आमदार नितेश राणे यांनी माध्यमांशी बोलताना उपस्थित केला. आज अकोल्यामध्ये हिंदू जन आक्रोश मोर्चा आहे. अकोल्यामध्ये टिपू सुलतान, उदत्तीकरण आणि छत्रपती शिवराय यांचा पुतळा बांधण्यासाठी विरोधात या सगळ्या विरुद्ध हिंदू समाजाच्या मनात अव्यवस्था आहे. या हिंदू समाजाला जागृत करण्यासाठी, ताकद देण्यासाठी आज सगळे हिंदुत्ववादी संघटना एकत्र येऊन मोर्चा काढत आहे. त्यात सहभागी होण्यासाठी मी आलो आहो, असंही त्यांनी सांगितले. मुस्लिम आरक्षण संदर्भात बोलताना मुस्लिम समाजाला किंवा कुठल्याही धर्माच्या आधारे आरक्षण मिळणार नाही असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. मुस्लिम समाजातील असंख्य जाती आहेत, त्या जातीचा अभ्यास करून जर आरक्षण मागतील तर ते शक्य आहे. चुकीच्या पद्धतीच्या मागण्या करू नका, चुकीच्या पद्धतीची दखल आमची सरकार घेणार नाही. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुद्धा ही भूमिका सभागृहात मांडली आहे. शंकरनाथ न्यूज साठी ब्युरो रिपोर्ट. उद्धव ठाकरे नावाचा ह्यापेक्षा मोठा खोटारडा माणूस आज महाराष्ट्रामध्ये नाहीये हे सगळी जनता ओळखते. आज विश्वासार्हतेची अगर तुलना तुम्ही कराल तर आदरणीय अमित शहाजींची विश्वासार्हता ही फार मोठी आहे. दिलेला शब्द पाळणं हे आदरणीय अमित शहाजींच्या आत्तापर्यंत इतिहास राहिलेला आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला उद्धव ठाकरेसारखा खोटारडा माणूस, म्हणून संजय राजाराम राऊत कितीही म्हणत असेल किंवा मातोश्रीमध्ये बैठक झाली, हा स्वतः तिथे होता का? नव्हता. कारण का तिथे जे जे होते त्या सगळ्या जणांनी सांगितलं, असा कुठलाही शब्द दिलेला नाही. वारंवार अमित शहाजी असतील, देवेंद्र फडणवीसजी असतील, सगळ्यांनी सांगितलं, शब्द दिलेला नाही. म्हणून उगाचं नाक रगडत शेमड्या मुलांसारखं रडण्याचा काय आता अर्थच राहिलेला नाही आहे. म्हणून अशा कुठलाही शब्द दिलेला नाही. आणि संजय राजाराम राऊतचं महाराष्ट्र सोडा, त्याच्या घरातले आले तरी त्याच्या शब्दाला किंमत देतात का? हा फार मोठा प्रश्न आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर येथे पॉस्को कायद्याच्या जनजागृतीसाठी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. शिबिराच्या माध्यमातून शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य शिक्षक यांना पॉस्को कायद्याबद्दल जागृत करण्यात आले. विधी विभाग, पोलीस प्रशासन व शिक्षण विभागाने यासाठी पुढाकार घेतला. प्रत्येक शाळा व कॉन्व्हेंटमध्ये पॉस्को विषयक तक्रारी हाताळण्यासाठी समित्यांचे गठन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. पाल्यांसह पालकांनाही याबाबत संवेदनशील करण्यासाठी उपाययोजना आखल्या जाणार असून शाळा व महाविद्यालयांशी संबंधित शिक्षक, शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य व पालकांनी पॉस्को विरोधात जनजागृती कार्यशाळेत सहभाग घेतला. शंकरनाथ न्यूज साठी ब्युरो रिपोर्ट. याचा भाग शाळेतील जे विद्यार्थी असतात, मुली असतात, त्यांच्या शाळेमध्ये जे विविध म्हणजे हे घडत असतात शाळेमध्ये, ती त्यांची जी समस्या असतात ती जाणून घेणे, त्याच्यावर त्यांना योग्य प्रकारे मार्गदर्शन मिळणे हे त्याच्याकडून अपेक्षित आहे. आणि त्या शाळेमध्ये ज्या मुलीसमोर ज्या तक्रारी घडतात त्यांचं योग्य प्रमाणे शिक्षकाकडून त्या समितीमार्फत त्यांना योग्य प्रकारे मार्गदर्शन मिळेल, पालकांना ती ही माहिती समजावून सांगणे आणि यांना जागरूकता निर्माण करणे हा मागचा उद्देश आहे. पॉक्सो ॲक्टची माहिती सर्वांना व्हावी यासाठीचं या कार्यक्रमाचं आयोजन आहे. आजकाल समाजामध्ये बरेच असे गुन्हे होत आहेत, अपराध होत आहेत, मुली असो की मुलांवर असो या प्रकारचे अत्याचार होत आहेत, तर ते त्या संबंधाने अवेअरनेस व्हावं, लोकांमध्ये जनजागृती व्हावी, शाळा असो, समाज असो की कुठेही असो, त्या अनुषंगाने माहीत व्हावं यासाठी या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं आहे आणि हे खूप चांगलं कार्यक्रम आहे. इंडिया अगेन्स्ट ईव्हीएमच्या वतीने शहरातील इंदोरा चौकातील मैदानावर ईव्हीएम मशीनच्या विरोधात महामेळावा आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी संमेलनात डॉक्टर आंबेडकरांची विचारधारा लोकांपर्यंत पोहोचविणारे नेते वामन मेश्राम यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ नेते उपस्थित होते. याप्रसंगी ईव्हीएम हटवा, देश वाचवा, संविधान वाचवा, लोकशाही वाचवा अशा घोषणा देत ईव्हीएम मशीनचा निषेध करण्यात आला. आगामी निवडणुकीत ईव्हीएम काढून बॅलेट पेपरवर मतदान घेण्याची मागणी यावेळी अधिवेशनाच्या माध्यमातून करण्यात आली. कॅमेरामॅन प्रवीणसह सनी भोंगाडे, शंखनाथ न्यूज नागपूर. ये ईव्हीएम का जन्म जिस देश में हुआ वो देश भी ईव्हीएम का इस्तेमाल नहीं करती. 194 कंट्रीज इस जमीन पे है, उसमें से सिर्फ गिने चुने देश ही ईव्हीएम मशीन का इस्तेमाल करते हैं, बाकी तमाम यानी 100 से अधिक देशों में सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से, प्रगत देशों में बैलेट पेपर से चुने.
चुनाव होता है तो भारत में ही क्यों ईवीएम मशीन चाहिए? सोचने वाली बात है, क्योंकि वो देशों ने, प्रगत देशों ने इसलिए वो ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उनको पता है ये हैक होती है और जनता के वोटों का अपमान होगा, उनके साथ धोखा। आपके सामने हमें आने का मौका मिला है। मैं सबका नाम न लेते हुए आदरणीय मंच, उपस्थित सज्जनों, भाई और बहनों, आज इस देश में जिसके नाम के अंत में 9 है वही खतरे में है। आप पूछेंगे आखिर में 9 वाला कौन खतरे में है, तो पहला ले लीजिए, संविधान के अंत में 9 है, संविधान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, नौजवान खतरे में है, इस देश का किसान खतरे में है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि पूरा हिंदुस्तान खतरे में है और इंसान खतरे में है, पूरा हिंदुस्तान भारत खतरे में है और यहां का इंसान खतरे में है, और इसीलिए मैं कहने आया हूं कि हर कोई अपनी हस्ती का निगहबान बने, गम की तूफान में संगीन सी चट्टान बने, बाद में चाहे वो हिंदू या मुसलमान बने, पहले इंसान को लाजिम है कि इंसान बने। जिनको हम YouTube पे सुनते ही रहते हैं, भानु प्रताप सिंह जी आपको हमको सुनना ही है, मंच पे सारे आदरणीय भाइयों बहनों, मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं, जो पहले मैं बोला, पर वामन जी मैं एक चीज समझ नहीं पाया, ये हम उस देश की वही नस्ल है क्या? हमारे अंदर वही खून है क्या जिस खून ने, जिस नस्ल ने देश को आजादी दिलाई? जब इस देश के लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ, जब इस देश के आजादी लड़ाई के टाइम जब ब्रिटिशर्स के गोलियों को हम डरे नहीं, जब इस देश के आजादी के लिए हम लोग ब्रिटिश के लाठी को नहीं डरे, हम भूखे प्यासे नंगे घूम रहे थे, हमने अपना घर बार नहीं देखा, हमने हमारे आंख के आगे सब बेचुराग होते देखा, पर हम डरे नहीं, हम उसी की नस्ल है क्या? ऐसा मैं कभी कभी सोचता हूं भाइयों, और मैं इतना ही कहूंगा, आज हमारे अगोदर के वक्ता ने, जो पहले वक्ता ने जो बोला कि हमें आजादी की लड़ाई है, दूसरी लड़ाई लड़ना है और लड़ाई जीत के दिखाना है, पूरे दुनिया में बताना है कि हम नियत्य होने के बाद भी हम डरने वाले लोग नहीं है, हम भारतवासी है, हम भारतवासी है, ये लड़ाई जीत के रहेंगे। और जो बैलेट की बात करते हैं, बैलेट के लाए बिना हम सांस लेंगे नहीं, क्योंकि उन लोगों को बता देने की जरूरत है कि इस देश में देशवासी ही सब बड़ी बड़ी चीज होती है। किस किताब में लिखा था कि हमें आजादी मिलेगी करके? दुनिया के कोई लोगों ने सोचा था हमें आजादी मिलेगी करके? दुनिया के कोई लोग ने लिख के रखा था कि इस तरीके से लड़ाई लड़ोगे करके? उसके बावजूद हम लोगों ने आजादी लड़ी और हमने एक संविधान जो पाया है, आज इस संविधान की रक्षा है, हमें राष्ट्र की रक्षा है ध्यान में रखना, हमें राष्ट्र की रक्षा करना है, संविधान की रक्षा करना है, भारत देश की रक्षा करना भाई साहब, और इसलिए आज हम भी उसी नस्ल के लोग हैं, हमारे अंदर भी वही खून है जिन्होंने रातों रात ब्रिटिशर्स लोगों को बंदूक तोपे देके इस देश से रवाना कर दिया था। चाहे जितनी गोलियां चला लो, चाहे जितना अत्याचार कर लो, ये भारत देश के लोग रुकने वाले नहीं है। यह आगाज इस नागपुर के इस जन्मभूमि से होना बहुत जरूरी है, ऐसा मैं मानता हूँ। आयोजकों ने आज इस मंच पे मेरे को जो बुलाया, जो मुझे सम्मान दिया, इसके मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, और हम भी इसी लड़ाई में लड़ेंगे कि जब तक ईवीएम लड़ता हटता नहीं तब तक हम सांस लेंगे नहीं, और भारत की नेवा को हम अपने चाय जो अर्पण कर देंगे, पीछे हटने वाले से हम नहीं। इतना मैं कह के अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। त्यामध्ये आपण केव्हा सहभागी होणार आहोत? आज ज्या पद्धतीने आपण केदार साहेब बोललात, प्रत्येक ओबीसी समाजामध्ये जाऊन आपण स्वतः ही आग लावणे ही काळाची गरज झालेली आहे, आणि आपण आणि येणारे आता वडेट्टीवार साहेब आणि या ठिकाणी असलेले सर्व मान्यवर आपण सर्व बहुजन समाजामध्ये वेळ आदर। व कोण लोग है जो भारत को फिर से तोड़ना चाहते हैं? ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो ईवीएम से वोटों की चोरी करके, वोटों की चोरी करने वाले अधिकारियों को डीएम बनाते हैं,
और बैलेट पेपर वापस लाने वाले लोगों को बुलेट दिखाते हैं, धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं, और आज जो देश की सत्ता पर काबिज हो गए हैं, मुझे लगता है कि आजादी के फिर से आजादी का एक आंदोलन हमें लड़ना पड़ेगा। बेशक से भारत की आजादी के लिए दो आजादी के आंदोलन लड़े गए, एक आजादी का आंदोलन अंग्रेजों की गुलामी से, 200 साल की गुलामी से आजादी का आंदोलन था, जिसको लड़ने वाले अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कम से कम 100 नेता रहे होंगे, उनके पीछे लाखों के आंदोलन के साथ साथ एक और आजादी का आंदोलन चल रहा था, जो लगभग 2500-3000 साल की देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासी और महिलाओं की गुलामी से आजादी का आंदोलन अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने लड़ा, बिना खून बहाए, बिना औजार हथियार उठाए, अपनी विद्वता से, अपनी काबिलियत से, अपनी कलम से हमारी हजारों साल की गुलामी को तोड़ दिया। लेकिन आज जिस आजादी के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने अपने पांच में से चार बच्चों को गंवा दिया, अपनी जवान पत्नी माता रमाबाई को कुर्बान कर दिया, अपना पूरा जीवन लगाकर हमें ना केवल आजाद करा बल्कि हमारे बढ़ने के रास्ते बनाए। दुख की बात यह है कि वो आजादी फिर से खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि इन लोगों ने शिक्षा महंगी करके एक तरफ शिक्षा छीन ली और दूसरी तरफ सरकारी संस्थानों को बेचकर इन लोगों ने हमारे रिजर्वेशन को लगभग खत्म कर दिया, और इसके बाद भी इनका पेट नहीं भरा। अब ईवीएम के माध्यम से ये लोग चुनाव जीत रहे हैं, ऐसी कौन सी ताकत इनके पास है कि देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस बार बीजेपी को 370 सीटें मिलेंगी, इन्हें वोट देकर जिताए। इन्होंने अपना एक भी वादा जो 2014 में किया था, एक सिंगल वादा भी मोदी जी पूरा नहीं कर पाए। इन्होंने कहा था हम काला धन वापस लाएंगे, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे, काला धन वापस नहीं आया लेकिन लगभग दुगना हो गया। इन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार तो नहीं दे पाए, लेकिन नोटबंदी लगाकर जिनकी फैक्ट्रियां चल रही थी, कारखाने चल रहे थे, वो बर्बाद हो गए, नौकरी चल रहे थे वो बर्बाद हो गए, नौकरियां देने की बजाय इन्होंने नौकरियां छीन ली। इन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल 35 रुपए लीटर करेंगे, ना तो ये महंगाई कम कर पाए और पेट्रोल को 3 गुना महंगा कर दिया। इन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, नहीं बना पाए। इन्होंने कहा था बहुत हुआ महिलाओं पे वार, अब के बार मोदी सरकार महिलाओं को सुरक्षा देंगे, लेकिन महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए। कोई एक वायदा तो बताए जो मोदी जी ने पूरा किया हो। अपने एजेंडे पे काम करते हैं, देश में इन्होंने नफरत बढ़ा दी, इतनी नफरत बढ़ा दी कि वो नफरत बढ़ते 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 पुलिस के अधिकारियों में, सेना के अधिकारियों में, सारे ब्यूरोक्रेसी में इतनी नफरत बढ़ा दी कि देश को चलाना मुश्किल हो गया, देश टूटने के कगार पर आ गया। प्रमुख बातम्या परत भेटू या नवीन बातमीपत्रासह, तोवर नमस्कार। सर्व प्रकारच्या पाळीव प्राण्यांसाठी अत्यंत गुणकारी इनोटॉक्स पौष्टिक आहार, नैसर्गिक वापरा, केमिकल टाळा, इनोटॉक्ससह रोगराईस आळा घाला। पशुखाद्य टेक्नॉलॉजिकल ऑडिटिव्ह उत्पादनासाठी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे व तालुक्यात डीलर्स नेमणे आहे। अधिक माहितीसाठी संपर्क करा 8444662542,
7387775157।